पायो दिव्यांतरिक्षे पायो दाह पाय स्वादी राधीशाह संतो मा हर हर शिवतम केश्वरा रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वहां से किया जा रहा है। भविष्य जम्मू कश्मीर के लिए और हमारे भारतवर्ष के लिए सुख समृद्धि लेकर के आए, शांति लेकर के आए। मैं डायरेक्टर टू टूरिज्म जम्मू कश्मीर आर्ट एंड कल्चर एकेडमी, फिर इस मंदिर से संबंधित जितने भी लोग हैं और विशेषतया सुरेश शर्मा जी का मैं हार्दिक आभार करना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले वर्ष से मंदिरों के शहर में जो प्राचीन परंपरा है, जो यहाँ के रीति रिवाज है, उनको वापस उसी मंदिरों के शहर में उसको रूप देने की कोशिश की गई। पिछले वर्ष सावन महीने में, जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने बताया, कि हर सोमवार को यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया, उसके अंतर्गत एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। उन सांस्कृतिक प्रस्तुति में ये रहा कि यहाँ की कला संस्कृति या शास्त्रीय परंपराओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। मंडल की जो इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका हमने एक कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम रखा है और कोशिश ये है कि जो हमारी कल्चरल विरासत है, जो संस्कृति की हमारी ये विरासत है, हमारी बुज़ुर्गों की जो देन है, उसको उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ प्रेजेंट करना, पुरानी जो एलिमेंट्स हैं या ये हिस्टोरिक प्लेस रही है, बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं वो यहाँ पास्ट में आई हैं, उनका जिक्र हुआ है, तो एक हिस्टोरिक प्लेस है। वैसे भी जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो ये भी एक हिस्टोरिक प्लेस है और इस प्लेस में हम इन चीज़ों को रिवाइव करके एक रिलीजियस टूरिज्म का जो इसको सेंटर बनाने की कोशिश है, सरकार का भी प्रयास है, इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे एक प्रायोरिटी है कि जितनी भी हमारी ये हेरिटेज की जो साइट्स हैं, जो पुरानी साइट्स हैं, उनको रेनोवेट किया जाए और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको यूथ के सामने लाया जाए और जो भी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनको प्रेजेंट किया जाए। अभी हमने देखिए कुछ चीज़ें अभी आपके सामने थी जिसमें शिव जी के कुछ भजन गाए गए और
आफ्टरनून में भी प्रोग्राम है, कल भी प्रोग्राम है, परसों भी प्रोग्राम है, तो इस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे कल्चर के उनको यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि बेहतरीन ओकेजन है कि एक तरफ हम आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी देते हैं और दूसरी तरफ जो हमारा ऑडियंस है उसको इसके साथ कनेक्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। तो लगता है कि शायद ये हमारी जो प्रयास है ये सक्सेसफुल, हम ये उम्मीद रखते हैं, ये हमारी कोशिश है। थैंक यू सर, धन्यवाद। जैसे भारत जी ने आपको बताया कि यहाँ तीन दिवसीय कार्यक्रम यहाँ चलेगा, इसमें हम जोर दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो है, हमारी परंपरा है, उनको पुनः जागृत किया जाए, लोगों को उनके बारे में पता चले और युवा पीढ़ी जो इससे विमुख होती जा रही है वो इसके साथ जुड़े, अपनी संस्कृति, अपनी जो परंपरा है उसका पता चले और उसके साथ जुड़े। थैंक यू।